तो गाइस दीपिका पादुकोण का बर्थडे और मैं सोच रहा था कि दीपिका पादुकोण के बारे में कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ जो शायद आप लोगों को नहीं पता होंगे। तो आप लोगों को पता है कि पहला बड़ा ब्रेक दीपिका को किसने दिया था? हिमेश रेशमिया ने ही पहला बड़ा ब्रेक दिया था दीपिका पादुकोण को अपने गाने नाम है तेरा में, जो कि 2006 में रिलीज हुआ था। बहुत लोगों को लगता है कि दीपिका पादुकोण जो है वो बॉर्न इन इंडिया ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनका जन्म हुआ है भैया यूरोप में एक कंट्री है जिसका नाम है डेनमार्क। 11 महीने की वो हो गई वहां पे, तब वो इंडिया आई। आप लोगों को पता है कि दीपिका पादुकोण जो है वो नेशनल लेवल की बैडमिंटन प्लेयर भी थी, लेकिन उन्हें फिर बाद में मॉडलिंग करनी थी तो इसके लिए उन्होंने भैया बैडमिंटन खेलना छोड़ दिया। ये फैक्ट आपको बता दूं कि भैया कैलेंडर गर्ल रही है वो किंग फिशर की काफी टाइम तक, और उन्हें कैलेंडर गर्ल का अवार्ड भी मिला था। समझ रहे हो ना कौन सी मॉडलिंग। दीपिका के रंग पहले से बेशरम थे। संजय लीला भंसाली की एक फिल्म आई थी सावरिया, जिसके अंदर रणबीर कपूर और सोनम कपूर थे, लेकिन सोनम कपूर की जगह पहले दीपिका पादुकोण कास्ट हुई थी उसके अंदर, लेकिन किसी वजह से दीपिका नहीं आ पाई उस मूवी में। और अच्छा ही हुआ ना कि भैया उन्होंने डेब्यू जो किया ओम शांति ओम से किया, सावरिया से नहीं, क्योंकि सावरिया वैसे ही बहुत बड़ी फ्लॉप थी।